वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक हुज नेम इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। और पिछले साल बीएससी के पेपर में इस चैप्टर का क्वेश्चन था, इस चैप्टर से इसी टॉपिक से क्वेश्चन था रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से। तो बहुत खूबसूरती के साथ ये सारी की सारी कैपेसिटीज पढ़नी है। वैसे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा इन सारी चीजों की, लेकिन पढ़ना ऐसे ही है। ठीक है, देखो, टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम फॉर्म्स इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स जो है वो फॉर्म्स होते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। उसके बाद अगर अपन बोलता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आर यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, किसके अंदर इस्तेमाल होती है? क्लिनिकल डायग्नोसिस। वो देखते हैं उस जगह से कि कौन सी कैपेसिटी जो है वो कितनी भरी हुई है और कौन सी कैपेसिटी जो है वो कितनी खाली है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे चार तरह के वॉल्यूम्स होते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम या टिडल वॉल्यूम। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IVR कहा जाता है। तीसरा, बहुत गौर से सुनना, तीसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? देखो, जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml रहता है हमारी लंग्स के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml रहता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml रहता है। और रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1100 से 1200 ml रहता है। पढ़ना है सारी की सारी चीजें, एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा वॉल्यूम क्या क्या काम करता है और किस किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। सर ठीक है, तो अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एज एक्सपायर्ड नॉर्मली, इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड नॉर्मली। जितनी एक बार में हवा अंदर ली जाती है और उतनी ही छोड़ दी जाती है। मिसाल के तौर पे मैं नॉर्मल ले रहा हूं, जैसे नॉर्मली तुम लोग सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, तो जितना अमाउंट, जितना वॉल्यूम ऑफ द एयर तुमने अंदर लिया और जितना एक्सहेल किया, उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml का होता है। समझ में आ रही बात? एरोरल वॉल्यूम उसमें से आपका 350 एरोरल वॉल्यूम होता है और 150 डेड स्पेस वॉल्यूम होता है जो खाली पड़ा रहता है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई। उसके बाद है डेड स्पेस वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके अंदर होता है? ओल्ड मेंस के अंदर होता है। इसीलिए उन लोगों की सांस जो है वो क्या करने लगती है? हांफने लगती है बहुत ज्यादा। देखा है कि कभी नहीं देखा है? बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही? सर घर में ओल्ड आदमी नहीं है? देखा है। अच्छा, देखा है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, जितना नॉर्मली सांस अंदर लेता हूं और जो बाहर निकालता हूं उसी वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहता है? कि द अमाउंट ऑफ एयर, एयर का अमाउंट दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल ब्रीदिंग। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में आप जबरदस्ती सांस को अंदर कैच कर ले जाए, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो एक बार में जितनी सांस फोर्सफुली जितनी आप अपने अंदर खींच सकते हैं उस वॉल्यूम को क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब रिजर्व वॉल्यूम क्या? उतनी जगह वहां पे खाली रहती है कि अगर कोई इंसान जबरदस्ती सांस को अपने अंदर अकड़ कर ले तो पूरा का पूरा जो है वो वहां पे क्लियरिफाई हो जाए। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? 2500 से 3000 नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर, नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर 2500 से 3000, बहुत बड़ा रेशो हो गया 500 ml। हाँ, कैसा भी हो उससे मतलब नहीं पड़ता है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई? तो फोर्सफुली, बात बिल्कुल क्लियरिफाई, फोर्सफुली जितनी सांस आप अंदर ले जा सकते हैं वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2500 से कितना रहता है? 3000 ml में रहता है। यहां तक बात जो है वो बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? साहब की नहीं हो रही है? उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है साहब? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या करता है? कि द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, अब देखो, ये आपने एक दफा सांस छोड़ दी, उसके बाद छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस आप बाहर निकाल सकते हैं उस सांस को अपन क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है आप लोगों के दिमाग में कि नहीं हो रही है? इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml के बीच में होता है। कितना होता है साहब? 1000 से 1100 ml के बीच में होता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई। उसके बाद है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। ठीक है, ये कितना होता है? कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब मैं जितनी भी अपने अंदर से सारी की सारी हवा निकालूं,
ऐसे करके सारी की सारी सांस मैंने बाहर निकाल दी, उसके बाद भी मेरे अंदर जो हवा बची हुई होगी ना, उस वॉल्यूम को मैं क्या बोलूंगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलूंगा। क्या बोलूंगा साहब? रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो कितनी होती है? 1100 से 1200 ml के बीच में होती है। कितने ml के बीच में होती है साहब? 1100 से 1200 ml के बीच में होती है। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है साहब? कितने ml के बीच में? 1100 से 1200 ml के बीच में। इज इट क्लियर और नॉट? 100% समझ में आ रहा है ना साहब? ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो समझानी जरूरी है, ठीक है, तो वो मैं एक एक करके बताता हूँ। और यहीं से जो है वो सवाल एक्चुअली पूछा गया था पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक एक चीज तुमको लिख लिख कर दिखाऊंगा कि एक्चुअली सारी की सारी चीजें होती कैसे हैं और क्या क्या होता है साहब। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात, ठीक है, अब अपन मैं बताना जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इसको थोड़ा सा जरा दिमाग में भरिएगा क्योंकि पिछली साल जो है वो क्वेश्चन जो है एक्चुअली यहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से पूछा गया था, दिखाई दे रहा ना तुम लोगों को, ठीक है, और नीट में भी पूछा जाता है भाई यहां से क्वेश्चन। तो देखिए अपन शुरू कर देता है रेस्पिरेटरी। मैंने बेटा इतना सारा पढ़ा दिया है ना कि आपको बहुत सारा काम करना है, ठीक है, बिना बोले तो आप में है, किसी ने क्या बोल दिया जरूर बोलेंगे आपको। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज का मसला क्या है साहब? सबसे पहला देखो मैं तुमको बताता हूं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? देखो मैंने पहले ही तुमको बता दिया था कि साहब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या, कि जितना वॉल्यूम आप अंदर लेकर जाते हैं, समझ में आ रही बात? या आप इस तरीके से कह सकते हैं जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि फोर्सफुली जितनी एयर जो है वो आप अपने अंदर रिजर्व कर सकते हैं, समझ में आई बात? फोर्सफुली। तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होती है, ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ये चीज थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होती है, ठीक है, तो ये बराबर होती है किसके? टीवी प्लस, और एनसीईआरटी के टॉपिक है ये, कोई बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आईआरवी, ठीक है, कितनी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? आईसी कितनी होती है? टीवी प्लस आईआरवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम, समझ में आ रही ना बात, जो इंटरनली लिया जाता है वो वॉल्यूम, और जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास? 500 हो गया, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? 1100 से लेके वो सॉरी 1000 से लेके कितनी है वो 1000 से 1100 तक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1500 से 1600, कितना हो जाएगा साहब? 1500 से 1600 के रेफरेंस में रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में? वॉल्यूम इतनी है 1100 से 1000। हाँ देख लिया मैंने, मेरा देखो हुआ, आगे बताइए आप, ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है साहब की नहीं हो रही है? 2500 से कुछ, कितनी बताई थी मैंने? 2500 से 3000 बताई मेरे ख्याल से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अपन अंदर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक देख लीजिए। हाँ सही है, तुम ठीक कर रही हो। 2500 से कितना है साहब? 3000 है। कितना है साहब? 3000 है। तो टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 3000 से लेके 3500 तक रहेगी। कितनी रहेगी साहब? 3500 तक ml वॉल्यूम अपने अंदर कंटेन कर सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई? उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कौन सा वॉल्यूम है साहब? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में साहब सारी की सारी चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होगा कि साहब सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम हमारे अंदर, वो टाइडल वॉल्यूम तो कॉमन रहना है सब जगह, और जितना अपन बाहर निकाल रहे हैं टोटल फोर्सफुली जितना बाहर निकाल रहे हैं, तो ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो कितना होता है? 1100 से लेके 1000 तक, 1000 से लेके 1100 तक रहता है साहब। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? कितना रहता है? 1000 से लेके 1100 तक उस जगह से वो रहता है वहां पे। बातें तुम लोगों की क्लियरिफाई हो रही है साहब की नहीं हो रही है? हाँ, इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 है हमारे पास। कितना है साहब? 500 है। और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना है? 1000 से लेके 1100 तक है। कितना है? 1100 तक है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1500 से 1600 तक। कितनी हो जाएगी साहब? 1500 से 1600। तो कितना वो एनर्जी अमाउंट जो है वो बाहर निकाल सकता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि साहब नहीं हो रही? उसके बाद है फिर फंक्शनल कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी है साहब?
भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आएगा भाई आपका? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है साहब? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जितना इंटरनल रहता है, तो जितना बाहर कितना निकालते हैं हम टोटल, हैं? बताइए जरा, 1000 से लेके 1100 तो 1100 तक, 1000 से लेके 1100 तक, और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना है? 1100 से 1200 तक है। कितना है साहब? 1100 से 1200 तक के रेफरेंस में है उस जगह से। यहां तक बातें क्लियर हो रही है तुम लोगों के साहब? नहीं हो रही है बिल्कुल, ठीक है ना साहब? तो 1100 से 1200 तक का रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है उस जगह पे। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से तुम निकाल के देख लेना उसको। उसके बाद है साहब वाइटल कैविटी। कौन सी कैविटी? वाइटल कैपेसिटी। मैं गलत बोल देता हूँ तो तुम लोग भी गलत बोल देते हो। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होगा आपका? IRV होगा, IRV होगा, इंटरनल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? रिजर्व वॉल्यूम कह सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह सकते हैं, और IV होगा साहब। कौन सा होगा? IV होगा प्लस ERV होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, याद करने पड़ेंगे, होगा करने नहीं होगा, करने पड़ेंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है? तो अब इन सारी चीजों में तुम लगा लगा के, वो तो मैं खैर लिख कर दे दूंगा तुम लोगों को, जब लगा लगा के देखोगे ना तो सारी की सारी चीजें जो है वो एक्जैक्टली तुम्हारे पास आ जाएंगी कि इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है? वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। जिस तरीके से यहां पे कहा गया है कि साहब इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड इंस्पिरेटरी फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन से निकालेंगे उसका अमाउंट कितना होगा, समझ में ये बात? पूरी की पूरी कैपेसिटी। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पे लिख के एक दफा बैठना है और 15 मिनट के अंदर सब कुछ याद कर देना है। यही सारी की सारी चीजें जो है, फिर उसके बाद देखो फंक्शनल वॉल्यूम हुआ, वाइटल कैपेसिटी हुआ, टोटल लंग कैपेसिटी हुआ, एक भी चीज नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें कराने के लायक नहीं है साहब, सिर्फ याद करनी है ये। समझ में बात? ठीक है, फॉर्मूला पे फॉर्मूला लगाए चिपकाए चले जाओ और काम करते चले जाओ। किसमें से? हाँ वो मैं PDF दूंगा साहब, ठीक है ना साहब? उसके बाद क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? तो 12 टू 16 टाइम पर मिनट्स है, मतलब हम एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स क्या लेते हैं साहब? सांस लेते हैं साहब। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। 12 से 16 मिनट जो है वो टाइम्स जो है वो सांस लेते हैं। अच्छा, एक चीज उसके बाद फिर कही गई है कि द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में कितना अमाउंट इंस्पायर्ड हो जाता है या एक्सपायर्ड हो जाता है, कितना हम भाभे, जाहिर सी बात है कि जितना अंदर लेंगे उतना बाहर भी तो छोड़ेंगे, बोलता ही नहीं है कोई, ठीक है ना साहब? तो जितना अंदर लेंगे उतना बाहर भी छोड़ेंगे, तो कितना अमाउंट होता है? 6000 से लेके 8000 तक। कितना होता है साहब? 6000 से लेके 8000 तक। अगर ये अमाउंट तुमको निकालना है तो तुमको एक बहुत खूबसूरत चीज करनी पड़ेगी, जिस चीज का नाम क्या है मैं तुमको बता देता हूं अभी, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है? उस चीज का नाम है कि साहब जो टाइडल वॉल्यूम के साथ आपको क्या काम क्या करना है कि टाइडल वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रीथिंग रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ? टाइडल वॉल्यूम के साथ। अब टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। और किसी इंसान का ब्रीथिंग रेट कितना है? ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या कि एक बारी में कितनी दफा सांस ले रहा है वो? 2 बार 3 बार 10 बार। तो नॉर्मली कितना लेता है? 10 से 16 बार लेता है। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा साहब कि कितना है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं जो है वो एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम सांस लेता हूं या 12 टाइम या 15 टाइम सांस लेता हूं, ठीक है, तो मेरा टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। और 500 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 6000। समझ में बात? तो मैंने क्या बताया कि जो अमाउंट होता है कितनी एयर में अंदर लेता हूं और कितनी में बाहर निकालता हूं, तो वो क्या कहलाती है? 6000 से 8000 तक कहलाती है। मेरा काम होने वाला है, ठीक है? अवर बॉडी कंज्यूम 250 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो देखो ये जनरली कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 250 ml होता है हमारी बॉडी के रेफरेंस में द पर मिनट में, ठीक है? कितना ऑक्सीजन अंदर लेता है? 250 ml पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेता है, ठीक है?
नहीं आ रही बानो बात समझ? उसके बाद अगर इफ वी होल्ड आर ब्रीथ, अगर आपने अपनी सांस को रोका फॉर सम टाइम, देन द आफ्टर सम यू अर्जेस ऑफ इंस्पिरेशन इज ड्यू टू, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर अपन जो है कुछ टाइम के लिए अपनी सांस को रोकते हैं तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो है वो CO2 का लेवल क्या होगा साहब, बढ़ जाएगा. क्या होगा? CO2 का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा. उसके बाद है इफ वी टेक ए डीप ब्रीथ देन द ब्रीथिंग होल्ड्स फॉर द सेम टाइम ड्यू टू डिक्रीज द CO2 लेवल इन ब्लड. अगर हम बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो जो CO2 का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. अब कुछ लोग क्या काम करते हैं कि सब जवाई आती है किसी इंसान को, ठीक है, उंगना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में जवाई को, यौन बोलते हैं ना, YWN, ठीक है, मुझे कंफर्मली पता नहीं है इस बारे में, ठीक है. तो वो यौन का मतलब ये नहीं है साहब कि अगर आप किसी इंसान को जमाई आ रही है तो इसका मतलब जो है वो क्या कह सकते हैं कि साहब ऐसा कह लीजिए कि अगर किसी को जमाई आ रही है तो नींद आने का मकसद नहीं है. उसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है, जो BOD है वाटर की, वो ज्यादा हो चुकी है. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है ना? मतलब जो हमारी BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारी, वो उसको चाहिए. मतलब हमारी बॉडी को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए. बैठे बिठाए क्या और क्या, जब तुम सांस देखो ऐसा होता है जब हम बैठ जाते हैं ना तो हमारी सांस लेने के रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है. तो जितना सफिशियंट हमें सांस लेनी चाहिए, हम आलस के मारे उतनी भी सांस नहीं ले पाते हैं. इसकी वजह से हमें जवाई आती है. जब हम जवाई आती है तो तुमने देखा होगा एकदम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल हो गया. अभी तो गला सूख गया खैर सांस लेने में. समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है सर? यहां तक बात समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली नहीं आ रही है? ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरीके से मैकेनिज्म रहता है वो, लेकिन वो बाद में करेंगे सर. एक न्यू टॉपिक अपन जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है या यूं कह सकते हैं कि नहीं भी है, लेकिन समझ के पढ़ना है थोड़ा सा. ठीक है, तो देखिए जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का वो दो तरीके से होता है. सबसे पहला है ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं. अगर आपको कहता हूं मैं एक दफा सांस लिया तो उसका क्या मतलब है कि मैंने एक दफा इनहेल किया और एक दफा एक्सहेल किया. ठीक है, इनहेल क्या होगा, इनहेल क्या होगा 2 सेकेंड में, और एक्सहेल होगा यानी एक्सप्रेशन होगा 3 सेकेंड में. ठीक है, इंस्पिरेशन है एक्टिव प्रोसेस और एक्सप्रेशन है पैसिव प्रोसेस. मतलब अगर एक्टिव हो रहा है तो पैसिव अपने आप हो गई होगा. अगर सांस अंदर गई है तो सांस बाहर आएगी ही आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, अच्छा, एक्टिव प्रोसेसेस में यानी इंस्पिरेशन में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहला डायफ्राम होता है. ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसका, मिसाल के तौर पर कि साहब इस तरीके से डायफ्राम रहता है, यूं जैसे ही अपन ने सांस ली डायफ्राम खुल गया, इस तरीके से छाती चौड़ी हो जाती है. समझ में ही बात, एक्टिव पैसेज में तो डायफ्राम रहा. उसके बाद है इंटरनल इंटरकॉस्टल्स. ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना. समझ में आ रही बात, एक्सटर्नल मसल्स का, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब एकदम आपस में जुड़ने लगती है. फिर है एब्डोमिनल मसल्स का रिलैक्स्ड हो जाना. समझ में आई बात, ये फूल जाती है. मतलब आप ऐसा नहीं है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स में बात हो रही है. समझ में आई बात, पूरी की पूरी बॉडी पर आपका हिसाब किताब जा रहा है, ये बात थोड़ी सी जरा ध्यान रखिए. उसके बाद है एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन के 3 प्रोसेस हैं. पैसिव प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या है, डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा. पहले डायफ्राम कैसा था, ठीक है, ऐसा था, ऐसे था, जब एक्टिव प्रोसेस हुआ तो ऐसा हो गया. लेकिन जब एक्टिव प्रोसेस पैसिव में जाएगा तो फिर दोबारा कैसा हो जाएगा, जो अपनी और नॉर्मल पोजिशन थी उसी को रिगेन करेगा. साहब यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि वहां पे इंटरनल कॉस्टल मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और एब्डोमिनल मसल्स एक्टिव पैसेज में क्या हो रही थी साहब, ठीक है, प्रोसेस के अंदर क्या हो रही थी, रिलैक्स हो रही थी, यहां पे क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी. क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? बोलते हैं यहाँ कोई, ठीक है. उसके बाद है मेन मसल्स फॉर इंस्पिरेशन आर डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, जो मेन मसल्स हैं इंस्पिरेशन के लिए वो इंटरनल कॉस्टल मसल्स हैं. इंटरनल कॉस्टल मसल क्या, जो सांस को अपनी तरफ खींचती हैं, जो वर्क करती हैं एज अ वैक्यूम. समझ में आ रही बात? तुमने सोचा कि कोई भी चीज ऐसी अंदर कैसे चली जाएगी, कोई ना कोई तो वर्क कर रहा होगा ना साहब.
ठीक है, फिर है मेन मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, जो एक्सपिरेशन के लिए होती हैं वो इंटरनल कोस्टल मसल्स, भाई जो वैक्यूम कर रहा है वो बाहर थ्रू आउट भी तो करेगा ना उसको, और एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स कारामत किस तरीके से होती हैं वो चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में पूरा पे पूरी बात होती क्या है। सारा हमारे पास में बेटा पैर सीधे करो, ठीक है। अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट द लंग्स इज कैरीड बाई द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, जो मूवमेंट होता है एयर का कि वो अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है साहब, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, वो उस जगह से डिपेंड करता है साहब। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रेशर ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड बाई डायफ्राम। जब ब्रीथिंग होती है तो प्रेशर बनाया जाता है किसके जरिए से, डायफ्राम के जरिए से। डायफ्राम ऐसा था, अब मान लो कि डायफ्राम इस तरीके से हो गया तो डायफ्राम ने कुछ ना कुछ वैक्यूम किया होगा ना अंदर की तरफ साहब। नहीं आ रही बात समझ में, थोड़ा जाकर बैठो साहब। ठीक है, ठीक अच्छा। उसके बाद वी हैव एन एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाई एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, हमारे पास इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की मतलब एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज्यादा मदद करती हैं सारे की सारी चीजों को करने के लिए। नहीं आ रही बात समझ में। उसके बाद है कि साहब ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो प्लूरा प्रेशर होता है, ल्यूरा पे या प्लूरा प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 4 mmHg होता है। कितना होता है, 4 mmHg, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा कम होता है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एक क्वेश्चन उठता है, देखो द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इंट्रोप्लूरल प्रेशर इज दैट इज टू प्रिवेंट द कैलेपरिंग बाय द लंग्स बाय इलास्टिक रिकॉइलिंग द लंग्स टिश्यूज बाय द सेम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स एंड ड्यू टू नेगेटिव इंट्रोप्लूरल प्रेशर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लंग्स के अंदर प्रेशर है उसकी हवा बाहर क्यों नहीं निकलती और लंग्स आपस में एक दूसरे के साथ रिकॉइल क्यों नहीं होते, मिल क्यों नहीं जाते। समझ में आई बात, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसका जवाब क्या है मैं बताता हूं। द इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाई, जो इंस्पिरेशन होता है वो किसके जरिए होता है, कॉन्ट्रेक्शन के जरिए होता है। किसके कॉन्ट्रेक्शन के जरिए, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन के जरिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। किसके कॉन्ट्रेक्शन के जरिए होता है साहब, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन के जरिए होता है साहब। बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन के जरिए होता है। उसके बाद अगर अपन जनरली बात करें कि साहब उसका थोरैरिक कैच बनाता है, नींद आ रही है क्या तुम लोगों को, मैं अगर ऐसे ही चलता रहा मैं छुट्टी कर दूंगा कल से। नहीं आ रही, ऐसा पढ़ लो, देखो मैं लिखवाऊंगा, ज्यादा एनर्जी तुम्हारी वेस्ट होगी, फिर मसला बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं घर जाकर बना दूंगा वीडियो, कोई इशू नहीं है मेरे साथ, मैं फ्री हूं। ये बात है, हमें बात उसका रेफरेंस नहीं है। नींद आ रही है क्या, नहीं आ रही, नहीं पढ़ाई। क्या क्या समझ में आ गया बताओ, चलो अभी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे, बताओ।